हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपर स्ट्रेंथ चैनल में। जिलेवार हरियाणा जीके में आज हम पढ़ने वाले हैं नूंह जिले के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नूंह जिला देखिए भारत के हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है। नूंह जो था ये हरियाणा का 20वां जिला बना था, ठीक है। 21वां हमने पढ़ा था पलवल बना और 22वां था चरखी दादरी। तो नूंह था 20वां जिला जो बना था 4 अप्रैल 2005 को। और जब ये 2005 में बना था तब इसका नाम क्या था, मेवात था, जिसे बाद में 2016 में बदल कर क्या कर दिया गया था, इसका नाम नूंह कर दिया गया था, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो 1507 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 10.9 लाख, ठीक है। यह उत्तर में गुड़गांव जिले, पश्चिम में रेवाड़ी जिला और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल जिलों से घिरा है। यह मुख्य रूप से मेओस जो कि कृषिवादी है और मुसलमानों द्वारा आबादी वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहुंचे कैसे, हवाई जहाज के द्वारा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में, वहां से नूह तक की दूरी है 63 किलोमीटर। नूह में कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है, हालांकि पलवल रेलवे स्टेशन 37 किलोमीटर के करीब है, गुड़गांव रेलवे स्टेशन 51 किलोमीटर के करीब और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन करीब 80 किलोमीटर। नूह में कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। बस द्वारा देख लीजिए, जिला मुख्यालय नूह का जो मुख्यालय है वो भी नूह ही है। सड़क से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और नूह सड़क से चंडीगढ़ और आईएसबीटी नई दिल्ली से 77 किलोमीटर दूर सड़क के 373 किलोमीटर है, ठीक है। फिर बात करें हम पर्यटक स्थल की, तो देखिए वहां पे जो है वो है फिरोजपुर झिरका, ठीक है। फिरोजपुर झिरका पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो नूह जिले का ऐतिहासिक शहर है फिरोजपुर झिरका। गुड़गांव की मुख्य सड़क पर अलवर से करीब, गुड़गांव से करीब 82 किलोमीटर दक्षिण और दिल्ली के 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सिर्फ इतना याद रखिए फिरोजपुर कहाँ है, दूरी याद रख लीजिए कि गुड़गांव से 82 और दिल्ली से 150 किलोमीटर, ठीक है। यह राजस्थान राज्य के सीमा के पास, तो क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान की सीमा पर कौन सा जो है शहर या जिला जो भी है लगता है नूर का, तो वो है फिरोजपुर झिरका, ठीक है, ये याद रखिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए फिरोजपुर झिरका, ये जामा मस्जिद है फिरोजपुर झिरका में। इसके अलावा एक शिव मंदिर की गुफा भी है वहां पे, ये सारी चीज जो है पूछी जा सकती है। इसके अलावा शिव मंदिर फिरोजपुर झिरका में, मस्जिद नाहरखोर आपसे पूछ सकते हैं। फिरोजपुर झिरका तो सभी बता देंगे कहाँ पर है, लेकिन मस्जिद नाहरखोर पूछी जा सकती है, तो ये भी नूह में है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बरदारी मकबरा, फिरोजपुर झिरका की दीवार पर पुष्प पैटर्न और शिलालेख, बरदारी मकबरा के नाम से पूछ सकते हैं, तो ये भी नूह। ओके, कोटला नूह, कोटला नूह का एक गांव है जो इतने अक्षांश पर स्थित है और नूह के 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक गांव है और एक बार मेवात की राजधानी भी जो है बना था, ठीक है। मेवाती यदुवंशी शासक बहादुर नहर खान के दौरान यह गाँव अरावली तलहटी और सुंदर दृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से कोटला जो थी मेवात की पहली राजधानी थी, जिसने अपने स्वयं के लोगों द्वारा शासित किया गया, जिन्हें लोकप्रिय तौर पर खान ज्यादा कहा जाता था। गांव कोटला एक छोटी सी घाटी में स्थित है जो पूरी तरह से पहाड़ी से गिरा हुआ है। इसके पास कोटला झील और जब यह पानी से भर जाता है तो पास का एकमात्र रास्ता झील और पहाड़ी के बीच की एक संकरी पट्टी पर स्थित है, ठीक है। तो कोटला अगर पूछा जाए तो नूह में। आगे देखिए तिजारा फोर्ट द्वार पूछा जाए तो ये भी कहाँ है, कोटला नूह में। नूह में याद रख लीजिए बस, तिजारा फोर्ट द्वार या फिर ये कोटला किले का जो है मुख्य द्वार दिखाया गया है। रुचि के और भी स्थान है, जैसे नलहड़ शिव मंदिर। नलहड़ जो है ये अरावली की तलहटी में स्थित है और इसके आधार पर एक शिव मंदिर भी है। तो सिर्फ इतना याद रखिए, डिटेल जाने की जरूरत नहीं है हमें इसमें। तो नलहड़ शिव मंदिर कहाँ पर है, ये नूह में है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट यही बनता है यहाँ से। इसके अलावा नूह में एक चुई माल का तालाब भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चुई माल का तालाब कहां पर है, नूह में है, ठीक है। ओके, और देख लीजिए यहाँ पे अल आफिया जनरल हॉस्पिटल, ये माड़ीखेड़ा नूह में है, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अल आफिया जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है, पल्ला नूह में है। उसके बाद है शाही मस्जिद मालव, ये पूछा जाए तो ये भी नूह में है। उसके बाद है चूमिल तालाब जो हमने पढ़ा अभी, तो नूह में है ये भी। नेक्स्ट है सेठ चूही मल की छतरी, ये पूछ सकते हैं, तो ये भी नूह में है।
शिव मंदिर, फिरोजपुर झिरका और नलहड़ मंदिर नू, ये रहे जो हमने पढ़े थे कि शिव मंदिर भी है फिरोजपुर झिरका में और एक नलहड़ मंदिर भी पढ़ा था हमने नू में, ठीक है। और इसके अलावा अगर होटल आईटीसी ग्रांड पूछा जाए तो ये है तावड़ू में, ओके, होटल आईटीसी ग्रांड तावड़ू, और ये लघु सचिवालय दिखाया गया है नू का बस। तो ये थी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हमने देखी इसमें, होटल आईटीसी ग्रांड पूछ सकते हैं, चूहीमल की छतरी पूछ सकते हैं, चूहीमल तालाब पूछ सकते हैं, शाही मस्जिद पूछ सकते हैं, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब कहाँ पर है नू में, तो पल्ला में है, अलाफिया जनरल हॉस्पिटल कमाडी खेड़ा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है जो किसी बुक में दी नहीं होती है, ओके। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि मेवात की जो है स्थापना कब हुई थी, तो मेवात जो था कौन सा राज्य बना था, बीसवां जिला बना था 4 अप्रैल 2005 में, ठीक। और मेवात का पुराना नाम पूछा, सॉरी नू का याद रखिए, नू से पहले मेवात था, मेवात से पहले भी इसका एक नाम था, वो नाम था सत्यमेव पुरम जो था मेवात का पुराना नाम था, नू का पुराना नाम था, जिसे गांधी जी के जो नारा था सत्यमेव जयते, इसी के अनुसरण पर जो है हरियाणा के 20वें जिले का नाम क्या रखा गया था, सत्यमेव पुरम रखा गया था। लेकिन 4 अप्रैल 2005 को कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, मेवात कर दिया था, ठीक है। और 12 अप्रैल 2016 को भाजपा सरकार ने जो है मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया, नू कर दिया था, ठीक है। हरियाणा सरकार ने जो है नू कर दिया था इसका नाम। तो ये डेट याद रखिए, 12 अप्रैल 2016 और 4 अप्रैल 2005, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था हरियाणा के, तो वो भी नू में, मेवात में, सो नू याद रखिए, नू में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है हरियाणा में, तो वो भी नू का है, कितना है ये पूछ सकते हैं, तो 907,000 व्यक्ति पर, ठीक है, 907 स्त्रियां जो है प्रति 1,000 व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात पूछा जाता है तो नू का है। अगर सबसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कम साक्षरता दर वाला जिला, तो वो भी कौन सा है, नू है। और ज्यादा साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता दर पूछी जाए तो वो गुरुग्राम की है, ठीक है। तो नू का याद रखिए, लिंगानुपात सबसे ज्यादा है लेकिन साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं नू के बारे में, जो इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान पूछे जाए तो वो कहाँ पर रहते हैं, नू में रहते हैं, मेवात में, ठीक है, सॉरी नू, ओके। मेवात का, सॉरी नू का प्रसिद्ध नृत्य पूछ सकते हैं, तो वो कौन सा है, रतवाई। हरियाणा सॉरी नू का जो प्रसिद्ध मेवात का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, रतवाई है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है नू जो क्षेत्र है आज भी जो है पूरे देश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो पूछा जाता है शहीद हसन खां मेवाती सरकारी कॉलेज पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है, नलहड़ में है, नू के नलहड़ में है, जहाँ 2013 में स्थापित किया गया था शहीद हसन खां मेवाती सरकारी कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा हसन खां मेवाती जो नू से प्रमुख व्यक्ति हैं पूछे जाते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मेवात से संबंधित हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 1527 में जो खानवा की लड़ाई हुई थी हसन खां मेवाती ने, उसमें राणा सांगा का साथ दिया था, और हसन खां मेवाती जो कॉलेज है वो भी इन्हीं के नाम पर है। इसके अलावा तैयब हुसैन हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं, कौन, तैयब हुसैन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं वो है तैयब हुसैन, और किस जिले से रिलेटेड है, नू से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। चल न्यायालय हमने पढ़ा, चल न्यायालय जो थी नू में खोला गया था, सबसे पहले स्थापना पूछ सकते हैं कब हुई थी, तो 2007 में की गई थी, ये हरियाणा का ही नहीं भारत का पहला चल न्यायालय था, ठीक है। और इसके अलावा जो पूछ सकते हैं प्रमुख झील, तो मेवात में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी झील है नू में, एक है चंदेली झील,
इसके अलावा कोटला झील पूछी जाती है तो वो भी नू में है, झूलती मीनार जो है नू में है, शिव मेला लगता है और एक देहरा मंदिर है भी है फिरोजपुर झिरका में। ठीक है, बस यही पूछा जाएगा इसमें से अगर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ से देखने को मिलता है, भारत का पहला चल न्यायालय पूछते हैं या हरियाणा का कह लीजिए कि चल न्यायालय जो था किस जिले में है, एक सबसे कम साक्षरता दर पूछा जाता है और सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाता है। लिंगानुपात कितना है ये भी पूछ सकते हैं, तो 907,000 पर। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं। कोटला झील का पूछते हैं, एक इसका पुराना नाम पूछा जाता है सत्यमेवपुरम था, तो यही जो है मेन मेन है। बाकी जो इसमें नया था जो किसी बुक्स में नहीं मिलता है वो हमने देख लिया। होटल आई किसी ग्रांट पूछ सकते हैं, ओके, नलगढ़ मंदिर पूछ सकते हैं, शेख चूहिमल की छतरी पूछ सकते हैं, चूहिमल का तालाब, शाही मस्जिद ये, और मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, अल्लाफिया जनरल हॉस्पिटल एक और इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये जो है कुछ नई चीजें थी जो नहीं थी अवेलेबल और ये इनकी साइट पर दी गई थी। ओके, तो इनमें से आने के चांसेस है कि इनमें से कुछ अलग वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये था मेवात, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा बार बार मेवात बोलने के लिए सॉरी, क्योंकि वही बोला जा रहा है बार बार, बट अब इसका नाम नू है। थैंक यू सो मच।